हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिश्नोई केएम के ऊपर। देखिए, साइंटिस्ट ग्रुप बी की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर एचपीएससी के द्वारा जो वैकेंसीज अभी निकली हुई है, जिनका एग्जाम है इसी मंथ, तो लास्ट ईयर का जो पेपर है 2021 के अंदर जो कंडक्ट करवाया गया था उसके क्वेश्चन है, आप देख सकते हो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक आपको एक आइडिया मिले, क्योंकि सिलेबस जो है वो सेम है। उसमें इन्वायरमेंटल साइंस उसमें भी थी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एनालिटिकल, ये सब क्वेश्चन देते हो, आप देख सकते थे जीके के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एप्टीट्यूड के कैसे। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूं और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन से टोटल 200 के आसपास क्वेश्चन है। देखिए, ये फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक किसका काम करता है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, 200 क्वेश्चन है, आप एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। आप वीडियो जैसे स्पीड जो होती है यूट्यूब पे कम और ज्यादा करने का ऑप्शन होता है, वहां से कम ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि स्क्रॉल डाउन ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशनल अपडेट के लिए। आपका दिन शुभ हो। 10th क्वेश्चन में देखिए पॉपुलेशन के बेसिस पे पूछ रखा है, ठीक है। और इसके बाद केमिस्ट्री में जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो क्या है, एनालिटिकल से पूछे गए हैं, साइड ऑफ फोर्स वाला, ये बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक बार ऐसा क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है केमिस्ट्री के फील्ड में, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो 25 पे हम पहुंच चुके हैं, 27, 28, 29, 30, मतलब टेक्नोलॉजी और ये हम बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछे गए हैं कौन सा है, ठीक है। पोर वाटर, जैसे ये काइनेटिक्स का टाइप का क्वेश्चन आ गया, हाफ लाइफ बायोडिग्रेडेशन 30 मिनट्स ईडीसी। अभी एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी पीएच वगैरह पे आए, ये पीएच पे क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसफॉर्म क्या है। अब ये एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन है, सिलेक्ट वेलोसिटी वगैरह। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये वाला मेसोस्फीयर एक्सोस्फीयर वाला, 54 पे पहुंच चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये बायो इनोर, ये सेम क्वेश्चन आपको प्लस टू की जो बायो इनोर बायो है उसके अंदर मिल जाता है, सेम विद डायग्राम बना हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 61 जो है। अब ये देखिए, व्हाट इज द रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में, तो आप वहां के करंट से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा क्वेश्चन भी आने की संभावना है, आप देख लीजिएगा। जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड थोड़ा करंट अफेयर है वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रोटीन का सिंथेसिस सेल वाले चैप्टर से आसान है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 72 था शायद। ये वाला क्वेश्चन देखिए रिपीट है, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन किसमें होता है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड ओपरेन क्रोटो प्रोटोकॉल से पूछा गया था, 1 मेट्रिक टन होता है, इन्वायरमेंट का था ये भी क्वेश्चन। कितने होते हैं एटीजीसी, कितने होते हैं ये पूछा है, ट्रिप्सिन वगैरह के बारे में पूछा हुआ है, इन्वायरमेंट से ही ये क्वेश्चन। एलर्जी किससे होती है, कंपाउंड ड्यूरिंग एलर्जी, ये आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास प्लस टू के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको, क्वेश्चन नंबर 101। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अभी ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एनालिटिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद यहाँ हम आगे पहुँचते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आप देख सकते हो, कहीं आपको लग रहा हो कि तेज चल रहा है तो आप एक बार इसको, ये जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली नेट के अंदर पूछा जाता है ऐसा, हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर केमिस्ट्री के अंदर, अपने चैनल पे वीडियो भी पड़ी होगी, सेम क्वेश्चन करवाया भी हुआ है, ठीक है। नेट के फील्ड में करवाते हैं ये वाला, ये टॉपिक नेट में आता है और कहीं नहीं आता, ना बीएससी में आता। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, विच ऑफ द रेंज इंडिकेटर मिथाइल, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब ये इंडिकेटर्स और टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिजोल्ड ऑक्सीजन रिंकल मेथड पूछ लिया, डिजोल्ड ऑक्सीजन हम सब पढ़ते हैं, पर यहाँ इन्होंने क्या पूछ लिया डिजोल्ड ऑक्सीजन के लिए, वार्म रेन इज कॉज्ड बाय एनएसीएलएजिस, तो बढ़िया क्वेश्चन, पेपर तो बढ़िया सेट किया है वैसे। फोटोवोल्टिक सोलर सेल में क्या होता है, ये आसान क्वेश्चन था। तो ये टोटल बॉयल्स लो, देखिए ये केमिस्ट्री से है क्वेश्चन, वॉल्यूम बॉयल्स लो वाला, मैग्नीशियम सल्फर क्या यूज होते हैं, क्रैकर में क्या होते हैं, मोबाइल बैटरी में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस,
अब ये वाले यहाँ से करंट के इफेक्ट, करंट फैक्टर का सिटमैक्स 20 किनके बीच में हुआ था, सोलर मोटर एनर्जी भाषण का चार, इकोनॉमिक वर्ल्ड आउटलुक किसके द्वारा रिलीज की गई है, यूएई, मार्स कॉल्ड होप, ये सारे करंट के हैं। उसके बाद हरियाणा जी के और आपका क्या रहेगा रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन, जैसे ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, अभी ब्रिक वॉल है तो सेल क्या होगा, टिश्यू से बना होता है, मिसिंग नंबर फाइंड कीजिए, अगर इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग के दो क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह वाला ये है, और रैंकिंग का है। अब ये वर्सिप ऑफ वेल, ये हरियाणा की जिक्के का स्टार्ट हो गया, फ्लावर ऑफ इमेडिड ऑफ हरियाणा लोटस, ये विच सिटी ऑफ कार्ड सिटी ऑफ यार पानीपत, बुनकरों की नगरी, सबको पता है पानीपत को कहा जाता है, हरियाणा डे फेस्टिवल 1 नवंबर, सिंपल क्वेश्चन था। और इस टाइप से ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, हाइएस्ट मोरनी हिल्स का क्रो होता है जिसकी 15-14 मीटर ऊंचाई है, और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट 1995 में बना था, गुड़गांव फेमस जो आप कहते हो गर्म पानी का चश्मा सोना। तो ये 200 क्वेश्चन थे दोस्तों, आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम के अंदर। धन्यवाद आप सभी का, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एजुकेशन अपडेट के लिए, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो।